तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल साइंस। तो आज हम जानेंगे फाइव फैक्ट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी के फाइव फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स पे जाने से पहले हम फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं, फ्रीक्वेंसी बेसिकली होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इज द मेजर ऑफ द रेट एट ऑसिलेशंस इन मेजर्ड इन द नंबर ऑफ चेंजेस पर सेकेंड इज कॉल्ड हर्ट्ज। ओके, देखिए एक सेकंड के अंदर जितनी भी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, जितनी साइकिल्स अकर हो रही हैं, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब बहुत से फ्रीक्वेंसी के अंदर दो तीन पॉइंट भी आ सकते हैं, जैसे अल्टरनेशन आ गया, ठीक है। तो वन हाफ साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड, मान लीजिए हाफ, जो हाफ साइकिल होती है, वन हाफ साइकिल जो होती है एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन कहते हैं। ओके, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, द टाइम टेकन इन सेकेंड्स टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब जितना भी टाइम लगता है हमारा एक साइकिल को कंप्लीट होने में, हम उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम फ्रीक्वेंसी के टाइप्स के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी के क्या टाइप्स भी होते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी बेसिकली कह सकते हैं, और ठीक है चलिए बढ़ते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एसी एंड डीसी, यानी कि बेसिकली दो तरह की करंट होती है, एक एसी और दूसरी डीसी, ठीक है। हम एसी के बारे में जानते हैं, चलिए छोड़िए, पहले हम डीसी के बारे में जानते हैं, क्योंकि डीसी आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। डीसी तो देखिए, जो करंट अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेगा, यानी कि मान लीजिए हर सिचुएशन पे, हर टाइम पे जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये सेम है, देखिए कहीं भी ना कुछ चेंज हो रहा है ना कुछ भी, ठीक है। ये क्या होगा, डायरेक्ट करंट, क्या, डायरेक्ट करंट। ओके, हम आते हैं इसी तरफ एसी में, ध्यान रखिएगा जो फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो भी अल्टरनेटिंग, जो भी वोल्टेज और करंट है, वो टाइम के हिसाब से अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, सो दोज आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप डेफिनेशन समझ ही चुके होंगे कि अल्टरनेटिंग करंट आर दोज करंट विच चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डायरेक्ट करंट आर दोज करंट, ओके, विच डू नॉट चेंज देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये दो तरह की फ्रीक्वेंसी हुई, ये हमारी अल्टरनेटिंग हुई, सॉरी अल्टरनेटिंग हुई, और ये हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, तो फैक्ट नंबर वन चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिकली फैक्ट नंबर वन क्या है ना, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैन बी मेजर्ड इन द एसआई डायराइड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द हर्ट्ज। ओके, तो बेसिकली यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ओके, अब वो पड़ी किसके नाम पे, जो जर्मन फिजिसिस्ट थे हेनरिच हर्ट्ज, उनके नाम पे ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट पड़ी। ओके, अगली हमारी ऑसिलेशंस पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, इसे भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी वेव्स पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है वाइब्रेशंस पर सेकंड, ठीक है, उसका समथिंग पर सेकंड। अब मान लीजिए किसी चीज़ को भी कह सकते हैं, कि मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई भी कुछ भी हमारा मोशन कर रहा है, एक सेकंड के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने बार वो मोशन कर रहा है। ओके, रेवोल्यूशंस पर सेकंड, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि समथिंग पर सेकंड। ओके, फैक्ट नंबर टू, और फैक्ट नंबर टू क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। देखिए इलेक्ट्रिकल बेसिकली जो हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी होती है ना, चलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पावर फ्रीक्वेंसी और कैरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो पावर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज यूज फॉर अल्टरनेटिंग करंट सप्लाइंग पावर, कॉमनली 50 और 60 हर्ट्ज, ठीक है। जो हमारे हाउस में और हमारे होम्स में, हमारे इंडस्ट्रीज में, जो जहां पर भी जितने भी हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, सारा यूज हमारा 50 और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ये होती है पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी के बारे में। ओके, अ कैरियर फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ 150 किलोहर्ट्ज़ टू 800 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। कैरियर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे, मान लीजिए हम दो सबस्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे जो भी हम मान लीजिए कैरियर सिग्नल सेंड कर रहे हैं या कोई भी डेटा सेंड कर रहे हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता कैरियर फ्रीक्वेंसी और वेव ट्रैप के बारे में, तो इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आई बटन पे दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन टू सबस्टेशन। मैंने आपको पहले ही बताया, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है कैरियर फ्रीक्वेंसी 150 से 800 किलोहर्ट्ज़ की होती है। ओके, और इसका यूज बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए होता है दो सबस्टेशन के बीच में, ठीक है। दो चार मैंने दो एप्लीकेशन मैंने इसे लिख दिए हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी हेल्प टू प्रोडक्टिव रिलेइंग। ओके, टेलीमेट्री। ओके, तो पहला है प्रोडक्टिव रिलेइंग, बेसिकली मान लीजिए अगर हमारी लैंड में कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो जो भी डेटा होगा, जो भी कैरियर सिग्नल्स होंगे, वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से भेजे जाएंगे दूसरे एंड पे, ठीक है, ताकि हमारी लैंड ट्रिप हो सके। ओके, और टेलीमेट्री, हमारा टेलीमेट्री भी बेसिकली एक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, दो सबस्टेशन के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, अभी बात करने के लिए। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर थ्री की तरफ। ओके, फैक्ट नंबर थ्री क्या कहता है, व्हाई इंडिया यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों इस्तेमाल होती है। भाई आप लोगों को ये रीजन नहीं बताना तो मैं बताता हूँ। ओके, इंडिया गॉट इट्स पावर सिस्टम इनिशियली इंपोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश। ओके, जो हमारा भारत है ना, उसको जो भी पावर सिस्टम हमारा जो भी मिला था ना, वो ब्रिटिश द्वारा मिला था ना, कि अमेरिकन द्वारा। ओके, तो ब्रिटिश ना भाई सीधे सीधे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की। ओके, वो किसी का कॉपी नहीं कर रहे थे। ओके, सो नेचुरली दे इंपोर्ट 50 हर्ट्ज पावर सिस्टम टू यूज विद द ब्रिटिश अप्लायंसेस। ओके, तो अब भाई ब्रिटिश जो हमको दे के गए, हम अभी भी उसी को यूज कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारी हैबिट में आ गया। ओके, तो फ्रॉम दैट टाइम इंडिया यूजिंग 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उस समय से लेके अब तक भारत जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसको लाइक करिए, अपने टेक्निकल फ्रेंड और टेक्निकल ग्रुप्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो फ्यूचर में मिले। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर फोर की तरफ। फैक्ट नंबर फोर क्या कहता है, व्हाई अ ह्यूमन आई कैन नॉट सी द फ्लिकरिंग ऑफ अ बल्ब एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। भाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो उसकी फ्लिकरिंग को क्यों नहीं देख पाती है। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। देखिए, ये मैंने एक वीडियो डाली है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मतलब जो बल्ब है वो फ्लिकर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मोशन पे शॉर्ट पे लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दिख रहा है कि ये फ्लिकर कर रहा है। ठीक है, बट बेसिकली आपने घर के बल्ब को देखते तो वो फ्लिकरिंग करते हुए नहीं दिखाता है, क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इन एन एसी देयर आर टू पीक्स, द पॉजिटिव मैक्सिमम एंड द नेगेटिव मैक्सिमम, एंड द लैम्प विल बी ऑफ ओनली इन द रीजन जीरो क्रॉसिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आपको पता ही है कि दोस्त होंगे, एक तो पॉजिटिव स्टेज होगी, हमारी नेगेटिव स्टेज होगी। जीरो कंडीशन पे वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होगा कि बल्ब को ग्लो कर सके। ओके, उसके फिलामेंट को ग्लो कर सके। फॉर 1 हर्ट्ज देयर विल बी 2 ऑन स्टेट एंड 2 ऑफ स्टेट। 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए दो ऑन स्टेट होंगे, 2 ऑफ स्टेट होंगे। ठीक है, आपको ये भी पता है। ठीक है, सो फॉर 50 हर्ट्ज द फ्लैशिंग रेट विल बी 100। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए फ्लैशिंग रेट कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब अगर वो 100 टाइम फ्लिकर्स कर रही है, तो सिंस द ऑन टाइम विल बी द मोर देन ऑफ पीरियड आई कैन नॉट सी द फ्लिकिंग। अब समझ सकते हैं कि ऑन टाइम उसका काफी ज्यादा है, काफी मतलब बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो हमारी आईज होती है ना, उसकी फ्लिकरिंग को नहीं देख सकती है। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है आप ये रीजन समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 5 की तरफ। ओके, फ्रीक्वेंसी मेजर क्यों, किससे करी जाती है। ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाय क्या। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी मीटर डिवाइस फॉर मेजरिंग द रिपीटेशन पर यूनिट टाइम ऑफ कस्टमरी सेकंड और कंप्यूटेशन एनाटोमेटिक वेवफॉर्म। ठीक है, मैंने इसकी इमेज नीचे दे दी, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट नंबर वाली इमेज है, बेसिकली वही एक फ्रीक्वेंसी मीटर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर आपने हमारे जो कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए डीजल इंजन में हो गया, और भी कई जगह हमारे जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या, सीआर होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ कॉमन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेट टाइम एंड एम्पलीट्यूड मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज सिग्नल ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के भी मेजरमेंट हमारा वोल्टेज को दे सकता है, क्या, हमारा सीआरओ। ठीक है, सीआरओ की इवन मैंने दे दी है, जो सेकंड नंबर वाली जो इमेज है वो सीआरओ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो अब हम बात करते हैं थर्ड क्या, हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी काउंटर इज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट ऑफ वन दैट इज यूज फॉर मेजरिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारे तीन डिवाइसेस हैं, ये तीन तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो फ्रीक्वेंसी को मेजर्स करते हैं। ओके, आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने टेक्निकल फ्रेंड और टेक्निकल ग्रुप्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, हाँ, और एक बात और, इस पीडीएफ का जो वीडियो होती है, इसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।